This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So again, welcome back to our channel Feenvest. तो देखिए सबसे पहले हम अपने न्यूअर्स को बता दें कि मैं आपको जो कॉल्स है वो लास्ट में प्रोवाइड करता हूँ और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। मॉर्निंग में दो कॉल्स में वहाँ प्रोवाइड करता हूँ, दो कॉल्स में यूट्यूब में। तो चलिए पहले मैं 5 अक्टूबर 2020 के जो मैंने स्टॉक सुने थे उसकी मैं आपको दे देता हूँ। ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए, सॉरी यूट्यूब चैनल पे दिए थे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमारा शॉर्ट सेलिंग साइड का दोनों टारगेट, तीनों टारगेट प्राइस अचीव हुए और इसमें हमारे बाय साइड के दोनों टारगेट अचीव हुए। अगली बात कर लेता हूँ। देखिए ये दोनों स्टॉक्स मैंने आपको दिए थे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। देखिए टीवीएस मोटर ने शॉर्ट सेलिंग साइड के तीनों टारगेट प्राइस अचीव हुए। पॉलीप्लेक्स देखिए एक्चुअली ये गैप अप ओपन होने के बाद इसने अपना गैप रिफिल किया, उसके बाद इसने अपना बाय का एक ही टारगेट प्राइस अचीव कर पाया। शॉर्ट सेलिंग साइड का हमारा एसएल हिट हो गया था क्योंकि ये गैप अप ओपन हुआ था, रीजन था। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए 6 अक्टूबर 2020 की कॉल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कॉल्स में सब कुछ जानने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टीम को, आपको मॉर्निंग में एक्स्ट्रा लेवल्स, इन लेवल्स से अलग लेवल्स मिल जाएंगे जो कि बहुत छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे, मतलब कि 200 की रेंज में, 100 की रेंज में जो भी आपको लेवल चाहिए, यानी कि छोटे स्टॉक्स चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। आप हमें टेक्स्ट कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चार्जेस मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं नॉर्मली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन कल बाय करके चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट होगा। देखिए आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े हैवी हैवी वर्ड्स मैं आपके लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि प्राइस सस्टेन क्या होता है, आपको कैसे कैसे करना है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। तो मैं सिंपली बोलता हूँ कि देखिए अगर स्टॉक गैप अप ओपन होता तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे 10 AM का, 10 बजे तक का आप इंतजार करेंगे कि गैप फिल हो जाए। गैप फिल कैसे होगा, ये जो हमारी बाइंग प्राइस मैंने आपको दिया है, ये लेवल्स देता हूँ मैं, बाइंग का जो लेवल है और जो शॉर्ट सेलिंग का लेवल है उसके बीच में कहीं पे भी ये एक मिनट का होल्ड ले ले स्टॉक। एक मिनट का होल्ड कैसे लेगा, जैसे आप कर्सर देख रहे हो अप एंड डाउन करेगा इन दोनों प्राइस के बीच में, उसके बाद दोबारा ऊपर बढ़ जाएगा तब आप इसे बाय कर लेंगे। गैप अप ओपन होने के बाद शॉर्ट सेलिंग के लिए कोई कंडीशंस नहीं है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस जो है आप बाय करके चलेंगे जब लेवल ब्रेकआउट हो गया 658 का, 658.10 जब हो जाएगा तब आप इसे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 654, टारगेट रहेगा 660, 666 और 672 का। शॉर्ट सेलिंग का जो प्राइस रहेगा आपका वो रहेगा 652.90, ध्यान रखिएगा 652.90 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब लेवल ब्रेकआउट हो चुका होगा 653 का। तो लेवल ब्रेकआउट होते ही आप इसे शॉर्ट सेल कर लेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 657 का और टारगेट रहेगा आपका 651.50 का। अब मैं इस टारगेट को देखिए, मैं पहले टारगेट प्राइस जो है स्मॉल रख रहा हूँ क्योंकि अगर गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो तो अपोजिट साइड की, यानी कि गैप अप ओपन होने के बाद शॉर्ट सेलिंग साइड का एक टारगेट भी अचीव हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद बाय साइड का एक टारगेट अचीव हो जाए तो आपके लिए इजीली बिगिनर्स के लिए अच्छा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट अमाउंट बुक कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट सेलिंग साइड में आप इजीली प्रॉफिट कमा सकते हैं गैप डाउन ओपन होने के बाद, बिकॉज कंडीशन क्या है, 10 AM के अंदर गैप फिल हो जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी कि देखिए अगर पहली बार में स्टॉप लॉस हिट होता है दूसरी बार आप वो कॉल लेंगे, वो ले सकते हैं आप, अगर आप करना चाहते हैं ट्रेड तो आप कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट पहली बार में टारगेट अचीव होगा दूसरी बार आप वो कॉल नहीं लेंगे, लेंगे अपने रिस्क पे लेंगे, दूसरी बार आप वो कॉल नहीं लेंगे। जैसे बाय का लेवल एक बार एक्टिवेट होके ये टारगेट पूरा करके दोबारा से बाय का लेवल एक्टिवेट होता है तो आप उस समय कॉल नहीं लेंगे। इसी स्टॉक को आप बाय करके चलेंगे 547.10 जब इसकी प्राइस हो जाएगी, यानी कि लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा 547 का, टारगेट रहेगा 550, 556 और 562 का और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 543 का। एक चीज़ और बता दूं मैं स्टॉप लॉस के बारे में, स्टॉप लॉस कैसे रहेगा, देखिए 543 से जब नीचे जाने लगेगी इसकी वैल्यू तब अपना एसएल हिट मानेंगे, और शॉर्ट सेलिंग साइड में 546 से ऊपर जाने लगेगी वैल्यू तब अपना एसएल हिट मानेंगे। एग्जैक्ट 546 पे अपना एसएल हिट नहीं मानेंगे शॉर्ट सेलिंग साइड का, और बाय साइड का एग्जैक्ट 543 पे नहीं मानेंगे क्योंकि ये कभी कभार सस्टेन करके दोबारा ऊपर चल जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, काफ़ी लोग एसएल हिट से बाहर आ जाते हैं और उसके बाद टारगेट अचीव हो जाता है, तो ये गलती नहीं करेंगे। तो बाय साइड का टारगेट रहेगा 550, 556 और 562 का, शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी 541.90, ध्यान रखेंगे लेवल ब्रेकआउट होगा 541.90 में, इसका 542 का लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा। सो स्टॉप लॉस रहेगा 546 का, टारगेट रहेगा 540, 536 और 530 का, ध्यान रखेंगे। टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में कॉल्स प्रोवाइड करूंगा मैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले में दिख रहा होगा हमारे, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको हमें ज्वाइन करना है। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।